अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। आज हमारे सब सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनके सामने मैं क्या बोलूँ। ये लोगों के मार्गदर्शन में हम सब शहर में काम कर रहे हैं। हमारे नायब अंसारी साहब, फयाज कुरैशी साहब और हमारे बुजुर्ग जो कोई नाम के मोहताज है, ये भी हमेशा हरे सैफुद्दीन साहब हमारे को मार्गदर्शन करते रहते हैं। और हमारे एनसीपी के सीनियर नेता जो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कुछ आपको बताए, तो आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया इंशाल्लाह। और भी जितने भी तहजीब है यहाँ पर संगठन चलती है औरंगाबाद शहर में, इन सब लोगों को भी आप बुलाओ, इन सब लोगों को साथ में रखो, क्योंकि ये काम सबका है, ये किसी एक का काम नहीं है। और जो हुकूमत का मूड तो आप समझ रहे, हुकूमत आर पर के लड़े को उतरी हुई है। और हमारे हमारे छोटे भाई नायब अंसारी साहब के फर्जंद ने बताया मीडिया के बारे में, ये बात सही है कि मीडिया के ऊपर कुछ लोग बहुत गलत सलत कमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी समाज इसकी इजाजत देता नहीं। कुछ भी मोदी के बारे में गलत आप करो, जितना करना है आपको, धरने मोर्चे जो करना है आप करो, ये अपना हक है, ये आपको छीन सकता नहीं। लेकिन कैसा, पुलिस की भी निगाह अपने ऊपर है, पुलिस की निगाह भी बहुत बारीकी से है, फेसबुक पे है, व्हाट्सएप के ऊपर है। अपन अपने हाथ से जो, तो उनको एक मौका मत दो बोलने का मतलब। और मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ औरंगाबाद के नौजवानों को और बुजुर्गों को, अपने यहाँ पर जितने भी धरने मोर्चे हुए इसके अंदर कोई गाल बोट लगा नहीं। कल का भी मोर्चा इंशाल्लाह कामयाब हुआ, कल के जुमे का, इसके पहले जुमे का भी जो मोर्चा हुआ वो भी कामयाब हुआ, उसके पहले का जो हुआ वो भी कामयाब हुआ। तो मैं ऐसे ही जो है, तो इस जो आज की मीटिंग है इंशाल्लाह इससे बड़ी इसके बाद मीटिंग लेंगे अपन इंशाल्लाह, और ऐसे ही जो है तो आप कॉपरेट करते रहे हर धरने मोर्चे को। और मैं इतना कहकर मैं दरफास खत्म करता हूँ, गब्बर एक्शन कमेटी तन मन धन से आपके साथ में है। अल्लाह, जिसमें अभी एक साहब ने कहा था कि मेमोरेंडम देते हैं हम, लेकिन वो वहां तक पहुंचता नहीं जहां तक हम पहुंचाना चाहते, ऐसा नहीं है। मेमोरेंडम हम देते हैं तो उसका फॉलोअप भी लेना चाहिए। मेमोरेंडम देने के 10 मिनट के बाद में आपको एक लेटर मिलता है वहीं से, फिर उसके बाद में 4 दिन के बाद में या 2 दिन के बाद में वो लेटर, एक लेटर और मिलता है अपने को। तो हम बहुत से हजरात शायद मालूम नहीं होंगे या मालूम होंगे, तो वहां पर हमको, हम मेमोरेंडम देकर रिटर्न आ जाते हैं, बाद में फॉलोअप नहीं लेते हैं, तो हमें फॉलोअप लेना चाहिए। और हमारी जो मेमोरेंडम है वो मेमोरेंडम हमारा वहां तक पहुंचता है जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं। अब रहा सवाल, ये जो मसला है एक हिसास मसला है, और इस हिसास मसले के अंदर हुकूमत के जो दो हजरात है याजूद माजूद, वो उनके कान पे जू नहीं रहेंगे। हालांकि लाखों करोड़ों की तादाद में लोग भय निकल रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, लेकिन उनके कान पर जू नहीं रेंग रही है। और उन्होंने कल से एक तहरीक शुरू करे, उन्होंने फेवर की समर्थन यात्रा निकाल रहे हैं, तो वो भी पब्लिक में आ रहे हैं, वो भी रोड पर आ रहे हैं। इसलिए ये सिलसिला हमको जब तक ये वापस नहीं लिया जाता, जब तक चलाते रहना है, और मुसलसिल चलाना है, और रोज आना चलाना है। और इसके अंदर जो जामिया इस्लामिया वाले जो चला रहे हैं, ये वहां के प्रॉपर लोग दो दो घंटे वहां पर रोज आना दे रहे हैं, यानी कंटिन्यू धरना चालू है, 24 घंटे चालू है। तो वहां के लोग जैसा जैसा अपने पास टाइम है, एक घंटा जिसके पास है, दो घंटे जिसके पास है, वो मुसलसिल वहां पर दे रहे हैं। और उनकी कुर्बानी को हमारा सलाम है जामिया इस्लामिया के। तो जितने भी यहाँ पे हजरात ने अभी तक जो तजावीज रखी है, मैं उनका समर्थन करता हूँ, तारीफ करता हूँ, और मुझे दो लफ्ज़ कहने का मौका दिया, शुक्रिया खुदा का।